गांधी भी सब हमारे तरफ से कोई नहीं बोल रही, सब उनके तरफ से बोल रहे। अन हमको जब देखो जब आ रहा तो मारने की धमकी दे रहा कि तुमको मारूंगा, औरत वाली जात है, गुच्चुप रहो, ऐसा करो ऐसा करो। वो हम औरत वाली जात, हमारे आदमी घर पे रहते नहीं, काम पे जाते, हम अकेले जान रहते हैं। यहाँ रात के टाइम में आता वो भगवान पाड़ू की, हाँ रात के टाइम में करता ये सब। ये हमारी जमीन है, भगवान पांडुराम साढ़ू के हमारी जमीन पे कब्जा कर रहा, जबरदस्ती कब्जे कर रहा, हमको धमकिया देता है, हमारे शौहर को, हमारे देवर को जिम में लेके जाके कौन रहे, हम जा रहे तो हमको धक्का दे रहे हो, दे रहे वहां से भगा रहे। हमारे तरफ से कोई भी बोला नहीं, सब उनकी तरफ से बोल रहे, पुलिस वाले भी धक्का दे रहे। वो उनको लाए तहसीलदार, वो भी जबरदस्ती बोल रहे, हमन को कोई भी बोलने वाला नहीं, वो हमारी बोल रहा तुमको जान से मार डालूंगा। हम यहाँ रात पर अकेले रहते, हमारे आदमी कामों पे जाते क्या, यहाँ घर पे थोड़ी रहते। तो ऐसा करा नहीं, हमारे तरफ से कोई नहीं बड़ा आदमी, हमारे सहजारी हजारी भी गम्मत देख रहे हमारी। हम सिर्फ हमारे मेरा ससुरा बीमार रहता हमेशा, हमारे घर में मेरी सास को भी बोलते नहीं आता, कोई नहीं बोलने वाला, सिर्फ हम दोनों क्या बोलेंगे। हमको धक्का दे रहे, भगा रहे यहाँ से, हम रोकने गए तो GCP दाड़े हमारे अंग पे कर रहे सब चीज़। ये भगवान पांडु साधु की ये पहाड़ कौन तोड़ा, हाँ हाँ इलीगल तरीके से तोड़ रहा और हमको धमकी दे रहा, जान से मारने की, गुंडे ला रहा, लेडीज पुलिस ला रहा हमको मारने के लिए। हमारा कोई बोलने वाला नहीं, हमारा कोई बोलने वाला नहीं, हमारा कोई भी नहीं यहाँ पे। अच्छा आपकी सरकार से क्या मांगे प्रशासन? सरकार से मांग क्या, हमको इंसाफ चाहिए, जमीन हमारी, हमारी जमीन में रास्ता नहीं है, हमारा पुराना रिकॉर्ड को रास्ता नहीं है, बच्चे है, ये बच्चों को भी ऐसा रेटा राटी कर रहे। उस दिन कल लड़ाई में आए तो हमारे बच्चों को नजीक जा रहे तो उनको ऐसा लौट रहे, सब मिलके गुंडे लाए उन्होंने पकड़ के, हमारे बच्चों को कर रहे, धमकी दे रहे। हम कहते कोई है कि यहाँ हमारे पीछू कोई बोलने वाला नहीं। शरीफा भी गफ्फार खान जोंडवाल, क्या मसला है आपके जमीन का? मसला ये है कि भगवान पांडुराम सोड़ंग के जबरदस्ती हमारी जमीन में कब्जा डाला, जबरदस्ती रास्ता डाला और हम रोकने जा रहे थे, हमको धक्के दे के बाहर निकाला, हमारे बच्चों को, हमको सबको, पुलिस प्रशासन के ऐसा कुछ गुंडे ला के हमारे को समझ में ना। हम पढ़े लिखे नहीं है, ना मेरे शोहर पढ़े लिखे है, ना मेरे जेठ पढ़े लिखे है, वो हमेशा बीमार रहते और ये उनकी बीवी है, वो भी उनको कुछ बोलते ही भी नहीं आता, और ये जबरदस्ती हमारे पे कब्जा कर रहा है हमारी जमीन पे, जबरदस्ती हमारी जमीन खोदा, हमारी पूरी माल नाश करा, पूरी पाइपलाइन फोड़ा, पूरी अदरक नाश करा, जान से मारने की धमकी देते। हम सिर्फ यहाँ अकेले जंगल में रहते, अरे रात पेट हमको देते धमकी देते, हमारे आदमी मेहनत मजदूरी करने दूर जाते, अगर हमारी जान को कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार। 3/6/2022 को सवेरे 11:20 के ऊपर यहाँ पे निवेदन दिए तहसीलदार साहब, तहसील कार्यालय औरंगाबाद। इन्होंने कार्रवाई कब तक करने को बोले? कार्रवाई अभी हो जाएंगे, 2-3 दिन के अंदर बताए आश्वासन दिए साहब ने। तो ये आपकी जगह में से जा रहा है क्या? हाँ ये हमारे जमीन में से जा रहा और चोरी से जा रहा, उसमें कोई परमिशन नहीं है, कोई रास्ते में मतलब कोई नक्शे में उसमें कोई ऐसी जगह के ऊपर ये नहीं है। अच्छा आपकी मांग क्या है प्रशासन से? हमारे को हमको इंसाफ मिलना उसके अंदर से, बस हमारा दूसरा कुछ भी नहीं है, हमारे कोई सामने वाले से कोई दुश्मनी नहीं है और किसी से भी नहीं। जगह प्रकरण जो है तो पलसी शिवारे घट नंबर 188। आज हम मौजूद है MCN समाचार की तरफ से पड़सी गांव के अंदर, और पड़सी गांव के अंदर यहां पे कुछ भगवान पांडुरंग सोड़ंग के बोल के एक शख्स है, इसने आज यहां पे गट नंबर 188 के अंदर रोड निकाल के यहां पे पीछे की तरफ से जो पहाड़ है इसे इलीगल खोद रहा है और यहां से मुरम चोरी करके लेके जा रहा है। आइए हम यहां के गाँव के रहवासी हमारे साथ है, गाँव के रहवासियों से जानते हैं इनका क्या मसला है और क्या प्रॉब्लम है। बोलिए आपका नाम क्या है? मेरा नाम यूनुस मस्जिद खान पठान है। मसला ये है कि ये घर नंबर 188 प्राइवेट जमीन है 7 एकड़, जिसके अंदर कोई रिकॉर्डेड 7/12 वगैरह ऐसा कोई नक्शे में कुछ भी नहीं होते, होने के अलावा भी जो है तो दादागिरी से जो है तो कुछ
चंद अधिकारियों से साठगांठ करके जो है तो दादा जैसे यहाँ पे रास्ता निकालना चालू है। दूसरी बात, हमारी समस्या ये है कि ये जंगल, ये गांव यहाँ से दूर पड़ने की वजह से जो है तो हमारी सिस्टर अकेले यहाँ पर रहती है। अगर इन्हें मार काट के कुछ भी डालता है समझो तो उसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए जो है तो आपसे यही रास्ता किसने निकाला? ये भगवान पांडुरंग साळुंके ने। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है और गुजारिश है कि आप हमको कुछ तो भी इंसाफ दिलाए प्रशासन से। अब प्रशासन के ऊपर तो पूरा हमको यकीन और भरोसा है, देश की अदालत पर भी और महाराष्ट्र की पुलिस से भी, कि वो गलत इंसाफ नहीं करेंगे। गरीबों के साथ सबको लेके चलने वाली सरकार है तो हमको उन पर कोई शक नहीं है, उनके खिलाफ कोई नहीं। हमारी इतनी मांग है खाली कि जो इंसाफ है, जो सच्चाई, वो सही कार्रवाई करके जो है तो जो मुजरिम है उसको सजा पहुंचाए। बस ये आपसे निवेदन। सर गफ्फार खान, क्या पद है आपका गांव के अंदर? उप सरपंच। हाँ। अच्छा, आप उप सरपंच है इस गांव के। हाँ। ये जो साहब का जो मसला चल रहा है यहाँ पे जमीन का, जो भगवान पांडुरंग ने जमीन निकाली, ये आपको सही लगता है क्या? गलत लगता है हमको, ये गलत है उसका। यहाँ ला के पुलिस ला के तलाटी गिरदावर तहसीलदार ला के इलीगल कर रहे हैं। वो जो जमीन है अजीज खान मीर खान की जगह, ये शमशेर खान अजीज खान शमशेर खान की जमीन है। कम है, मेरी उम्र है 52 साल की। इससे पहले और कई पीढ़ियाँ चल गया उनके पनोज करते दिखे हमारे को अभी तक। पांडुरंग साळुंके ये पहाड़ खोल के इलीगल ले जा रहा है। इलीगल एक हंडी नुकसान हुआ कुछ भी है, इसकी जिम्मेदार कौन है? पांडुरंग साळुंके। ये आप इनके पड़ोसी है, क्या मसला है यहाँ की? हाँ भाई बंद है। बोलो फिर भाई बंद। हाँ, ये जबरदस्ती से उन्होंने रास्ता डाले कल। हाँ। और मार धारण करके। हाँ। ये तहसीलदार जो है नाम बता के पूरा इलीगल काम करे साहब। कौन किसने किया? पांडुरंग भगवान पांडुरंग। हाँ। तो और ये पूरे वाहन लाके कुछ गुंडे लाके और 15-20 गुंडे लाए और उन्होंने धमके दिए, कोने मारे, भाइयों को मारे और ऐसा करके उन्होंने रास्ता डाले। और ये पहाड़ जो तोड़ रहे हैं इलीगल? और इलीगल है सभी, इलीगल तोड़। हाँ। उनके पास कोई परमिशन नहीं? नहीं, कोई नहीं। ये हमारे को जबरदस्ती 17 अमर को यहाँ के। हाँ। ये है इसका जंगल तो ऊपर है इसका। हाँ। ये हमारे से बोलता ये रास्ता मन मोल ले ले बोलता। हाँ। ये यहाँ मारना करता हमारे का दादागिरी करता, पूरी नैसर्गिक पर्यावरण को नुकसान पहुँचा रहा ना। आपको इससे सरकार से क्या कहना है हमारे माध्यम की तरफ से? हमारा कहना है कि भाई इनका सही को सही करके इनके हवाले करना इनकी। और ये जबरदस्ती जबरदस्ती हमारे पास कब्जा दाड़ है हमारी जमीन पे हमारा है बोल के। पीछे जो पहाड़ खोदा जा रहा है ये कौन खोद रहा? वो इस खोद रहा भगवान पांडुराम साळुंके। ना उसने कोई मोज नहीं करा ना कोई करा, हमारे जमीन में जबरदस्ती उन्होंने रास्ता डाला और हमारी जमीन होगी हमको धक्के दे के निकाला और हमारी पूरी अदरक का नुकसान करा, पूरी पाइपलाइन खोदा, हमारे बच्चे जा रहे थे हमको लकड़े ले लेके मार रहे, हमको धक्के दे के निकाल रहे वहाँ से। और हमारे शोहर बोलने गए तो उनको जीप में ककोड़ के रखे, जब तक पूरा कब्जा नहीं हुआ जब तक उनको जीप में से निकाल के रखा, वही भगवान पांडुरंग साळुंके उन्हें गुंडे लगा के और कोंड के रखे। बस आज के लिए इतना ही, आप देखते रहिए MCN समाचार खान राफे मोहम्मद के साथ। पीछे आप देख सकते हैं पहाड़ है हमारे जो कि एक नैसर्गिक प्रतिक्रिया को छेड़ रहा है और यहाँ का पूरा पहाड़ तोड़ चुका है और इसके ऊपर प्रशासन अभी भी चुप्पी साधे हुए है और प्रशासन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। और यहाँ के गांव की जनता की इतनी मांग है जल्द से जल्द इस पहाड़ तोड़ने की, पहाड़ के अंदर जो माइनिंग चल रही है, जो तोड़ा जा रहा है पहाड़ को, इसको जल्द से जल्द बंद किया जाए।